हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज भी मैं लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एनिमे अपडेट्स, जिन्हें सुनने के बाद आपका तो यार दिन बन जाएगा। तो मेरा भी यार दिन बना दीजिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। लाल बटन जो सुपर सैयन गॉड का है, इसको दबाकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल दो। तो चलिए चलते हैं एनिमे अपडेट्स की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला अपडेट है ये है वेलकम टू डीमन स्कूल से लेकर। तो इसका सीजन 1 का हिंदी डब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसका जो सीजन 2 का हिंदी डब का काम है ये अभी प्रोग्रेस में है। और ये अपडेट हमें दिया है एनिमे वर्ल्ड 61 ने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो दूसरा अपडेट है ये है म्यूज इंडिया से लेकर। तो म्यूज इंडिया ने अभी हाल ही में IGN को अपना इंटरव्यू दिया था और वहां पर उन्होंने बताया है कि वो बहुत जल्द अपने म्यूज इंडिया के YouTube चैनल पर 2 ब्रांड न्यू हिंदी डब एनिमे लाने वाले हैं, जिसमें से जो पहला एनिमे है वो है फेरी टेल का और जो दूसरा एनिमे है वो है डेंडा डन का। आप में से बहुत सारे लोग यार कह सकते हैं कि भाई YouTube पर आने वाला है फेरी टेल 100 ईयर्स क्वेस्ट, लेकिन भाई जो ये आर्टिकल है IGN का, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है फेरी टेल, यहाँ पर 100 ईयर क्वेस्ट नहीं लिखा गया है। तो शायद से सीजन 1 आएगा। हमारा अगला अपडेट है एनिमैक्स चैनल से लेकर। तो एनिमैक्स चैनल पर कौन कौन से एनिमे यार सितंबर में आने वाले हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके यार पढ़ लेना। हमारा जो तीसरा अपडेट है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट है और ये है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो भाई अब नारुतो शिपुडेन को ताबड़तोड़ जमकर बहुत ही ज्यादा TRP मिलने वाली है। वो अब यार सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाला है, क्योंकि जो भाई नारुतो को इतना ज्यादा TRP देने से रोक रहा था पायरेसी टेलीग्राम, तो टेलीग्राम बहुत ही जल्द इंडिया से बैन होने वाला है। जी हाँ गाइज, टेलीग्राम बैन होने वाला है। जितने भी लोग यार पायरेसी करके देखते थे तो अब वो लोग चाह कर भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैंने यार देखा है कि टेलीग्राम पर करोड़ों लोग नारुतो शिपुडेन को पायरेसी करके देखते थे। तो अब टेलीग्राम बैन हो जाएगा तो अब सारा TRP TV को मिलेगा, मतलब लोग TV पर देखेंगे और सोनी को बहुत ही ज्यादा यार TRP मिलेगा। हमारा अगला अपडेट है कार्टून नेटवर्क के सबसे ज्यादा घटिया शो से लेकर, बंद बुक एंड बुड़बक से लेकर। तो ये आने वाला है कार्टून नेटवर्क पर 2 सितंबर से मंडे टू फ्राइडे रात के 7 बजे। मतलब इतना ज्यादा घटिया शो लाने की क्या जरूरत थी यार। हमारा अगला अपडेट है फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में बताया था कि किसने किस कैरेक्टर को डब किया है, तो मैं लेकर आ गया हूँ न्यू डबिंग आर्टिस्ट का लिस्ट कि किस कैरेक्टर को किस वॉइस एक्टर ने डब किया है, मतलब कि पार्ट 3। तो पॉज करके यार पढ़ लेना कि किसको किसने डब किया है। और ये अपडेट हमें दिया है गोकू ऑफिशियल रियल और द एनिमे गीक ऑफिशियल ने। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो अकीरा टोरियामा है वो अब हमारे बीच नहीं रहे, और जो ड्रैगन बॉल का यार आखिरी चैप्टर आया था वो मार्च के यार आसपास आया था, और उसके बाद तो यार उसका चैप्टर आना बंद हो गया। तो सबको लग रहा था कि शायद अब जो ड्रैगन बॉल का मांगा है वो खत्म हो गया है, अब नहीं आएगा। लेकिन रिसेंट में यार जो टोयोटारो का इंटरव्यू हुआ है तो वहां पर उन्होंने कहा है कि मांगा अभी यार एंड नहीं हुआ है, और उन्होंने बहुत सारा चीज यार सोच कर रखा है कि ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा में क्या क्या यार अमेजिंग चीजें होने वाली है, एक्साइटिंग यार बैटल होने वाला है, और बहुत जल्दी वो ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा को यार कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग यार ये उम्मीद लगाकर चल सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हमें ड्रैगन बॉल का न्यू मांगा देखने को मिलेगा। हमारा अगला अपडेट है साकामोटो डेज से लेकर। तो आने वाला जो ईयर होने वाला है 2025, वो साकामोटो डेज का यार ईयर होने वाला है। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन मोबाइल गेम से लेकर, फैंटम पैरेट से लेकर, जो कि आने वाला है अमेरिका में भी। हमारा अगला अपडेट है द न्यू 18 पेज लेवी मांगा से लेकर, जो कि रिलीज होने वाला है अमेरिका में समर 2025 में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है सोनिक 3 से लेकर, तो इसका नया ट्रेलर यार बाहर आ चुका है। हमारा अगला अपडेट है बर्सर्क के यार मांगा से लेकर वॉल्यूम नंबर 42 से लेकर, जो कि रिलीज होने वाला है मार्च 2025 में। हमारा अगला अपडेट है वाइल्ड ब्रेन स्टूडियो से लेकर, जो कि लॉन्च करने वाला है एक डेडिकेटेड चैनल US में सिर्फ पोकेमॉन फैंस के लिए, मतलब पोकेमॉन एनिमे के लिए।
यार सोच रहे हो पोकीमोन के लिए एक यार डेडिकेटेड चैनल। मतलब यार पोकीमोन तो यार 2003 में जब कार्टून नेटवर्क पर पहली बार आया था तो भाई इसने तो सारे यार रिकॉर्ड ही यार ब्रेक कर दिया था। जब पोकीमोन आया था, बेब्लेड आया था, मतलब हर तरफ सिर्फ यार बेब्लेड बिकना स्टार्ट हो गए थे, उसका स्टिकर बिकना स्टार्ट हो गया था, उसका ट्रम्प कार्ड बिकने लगा था। लेकिन आज के डेट में भाई देखा जाए तो पोकीमोन बहुत ही ज़्यादा यार ओवर रेटेड हो चुका है और पोकीमोन का फैंडम देखा जाए तो इंडिया से एक तरह से यार खत्म हो चुका है। मतलब आप कह सकते हो कि पोकीमोन को अब सबको यार बच्चों के कैटेगरी में गिनता है, जैसे कि सिंचैन और डोरेमोन है। इंडिया में तो यार आज के डेट में सिर्फ 2-3 ही एनिमे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी हो गया, नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, और भी बहुत सारे एनिमे हैं जो कि फेमस हैं। हमारा अगला अपडेट है चैनसो मैन के क्रिएटर से लेकर, तो उनका जो यार एक अदर सीरीज है जिसका नाम है लुक बैक। तो जो ये एनिमे मूवी है ये अनाउंस हो चुका है कि ये यूएस के थिएटर्स में आने वाला है 4 अक्टूबर को। हमारा अगला अपडेट है क्रंची रोल एंड सोनी से लेकर, तो उन्होंने यार बात किया है इसके रिगार्डिंग कि वो लोग बहुत सारे एनिमे यार प्रोजेक्ट्स यार करने वाले हैं, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, लाइव एक्शन। मतलब आपको यार एनिमे का लाइव एक्शन देखने को मिलेगा। मैं तो भाई ड्रैगन बॉल का यार लाइव एक्शन देखना चाहता हूँ कि ये लोग ड्रैगन बॉल का लाइव एक्शन कैसा बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ब्लीच रिबर्थ ऑफ सोल से लेकर, तो इसका नया ट्रेलर यार रिलीज हो चुका है। हमारा अगला अपडेट है बनान्या अराउंड द वर्ल्ड से लेकर, तो इस एनिमे का सीजन 3 यार अनाउंस हो चुका है और ये आने वाला है अक्टूबर में। हमारा अगला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन से लेकर, तो इसका यार जो इंटरनेशनल डब है मूवी नंबर 25 का द ब्राइड ऑफ हेलोवीन, तो अब ये यार रेंट के लिए और परचेस के लिए अवेलेबल है। हमारा अगला अपडेट है हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल से लेकर, तो जो यार ये एनिमे है तो इसमें 1200 एनिमेशन कट्स है, जिसमें से इसके जो यार लीड एनिमेटर है उन्होंने सिर्फ अकेले 300 यार कट्स बनाया है, जो कि यार बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हमारा अगला अपडेट है मासाशी किशिमोटो से लेकर, जो कि यार नारुतो के यार ऑथर हैं, तो उन्होंने बताया है, उनका यार हाल ही में एक यार इंटरव्यू हुआ था जहां पर उन्होंने बताया है कि वो बहुत जल्दी नारुतो का एक यार नया मांगा सीरीज लाने वाले हैं, जो कि यार बहुत ही बड़ा तोहफा है नारुतो फैंस के लिए। और उसी इंटरव्यू में एक और चीज उनसे पूछा गया था कि जो इकीमोटो है, जो वो यार बुरुटो सीरीज बना रहे हैं, तो उनमें उनको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा यार पसंद आया था, तो उन्होंने वहां पर एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल यार चीज बोल दिया था, जिसकी वजह से वो यार ट्विटर पर यार ट्रेंड होने लगे थे और बहुत सारे लोग उनको यार बुरा भला बोलने लगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बुरुटो में एक कैरेक्टर है सराडा, जो कि सास्के और साकुरा की बेटी है, जिसकी एज हो रही है 16 साल। तो उन्होंने बताया था कि जो सराडा का कैरेक्टर है उनको बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगता है, मतलब सेक्सी वर्ड यार यूज किया था। उन्होंने बताया था कि जैसा इकीमोटो ने इनको इतना ज्यादा सेक्सी बनाया है, मैं कभी इतना ज्यादा सेक्सी नहीं बना सकता। तो इसी चीज पर यार बहुत सारे लोग उनको बोल रहे हैं, फैंस बोल रहे हैं कि भाई कैसा इंसान है कि यार 16 साल की बच्ची के बारे में ऐसा चीज बोलता है, सेक्सी वैक्सी। हमारा नेक्स्ट अपडेट है लूनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एनिमे से लेकर, तो ये प्रीमियर होने वाला है 4 अक्टूबर 2024 में। हमारा अगला अपडेट है वीकली एनिमे रेटिंग से लेकर, कि समर 2024 में कौन कौन सा यार एनिमे है टॉप 10, वो कौन कौन से यार पोजीशन पे यार आए हैं, तो उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा जो अगला अपडेट है ये भी जुजुत्सु काइसेन गेम से लेकर है, जिसका नाम है फैंटम परेड, तो ये रिलीज होने वाला है ग्लोबली दिसंबर में। हमारा जो अगला अपडेट है ये है क्रंची रोल के न्यू हिंदी डब एनिमे से लेकर, तो आज क्रंची रोल पर आने वाला है एसिसिनेशन क्लासरूम का हिंदी डब। हमारा नेक्स्ट अपडेट है डिटेक्टिव कोनन की मूवी से लेकर, जिसका नाम है मैजिशियन ऑफ द सिल्वर स्काई, तो ये अब एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल हो चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है माई हीरो एकेडमिया से लेकर, तो यार माई हीरो एकेडमिया का ग्लोबल पॉपुलैरिटी पोल हुआ था, जहां पर जो डेकू है अब पहला नंबर में आ चुका है, पहले इससे पहले पहला नंबर में आया था बाकुगो। हमारा जो अगला अपडेट है ये है जुजुत्सु काइसेन के मांगा से लेकर, तो यार देखो इस अपडेट में यार स्पॉइलर हो सकता है, तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर बहुत ही जल्दी यार खत्म होने वाला है, मांगा खत्म होने वाला है, तो यार एक स्पॉइलर यार बाहर आया है कि जो इतादोरी है वो यार मर जाएगा, मतलब वो यार खत्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है स्लम डंग एनिमे से लेकर, तो इसका इंग्लिश डब और सब अब अवेलेबल हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है म्यूज इंडिया के न्यू हिंदी डब एनिमे से लेकर, कि उनके यूट्यूब पर एक न्यू हिंदी डब एनिमे आने वाला है, तो उन्होंने एक यार हिंट दिया है, तो आपको क्या लगता है ये हिंट से आपको क्या पता चल रहा है, वो किस एनिमे के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमेंट में आप बता सकते हो। हमारा अगला अपडेट है इलीगल एनिमे पायरेट साइट से लेकर, तो बहुत जल्दी वो सारे साइट्स को यार एक एक करके बंद किया जाएगा।
हमारा जो अगला अपडेट है ये ड्रैगन बॉल के 1986 के सीरीज से लेकर है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये सीरीज यार संडे के दिन आया था और बहुत सारे लोग मेरे से जानना चाहते थे कि भाई इसको कैसी टीआरपी मिली है। तो देखो भाई, जो टीआरपी है ना वो एक सप्ताह के बाद आता है, तो जो इसका टीआरपी है वो मैं आपको अगला सप्ताह बताऊंगा। एक और सवाल था कि ड्रैगन बॉल 1986 का रिपीट टेलीकास्ट कब आता है, तो देखो फिलहाल तो अभी इसका यार रिपीट टेलीकास्ट कभी भी नहीं आता है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी इसका रिपीट टेलीकास्ट के बारे में बताया जाएगा तो मैं आपको यार जरूर बता दूंगा। हमारा अगला अपडेट है नारुतो के न्यू समर इलस्ट्रेशन से लेकर। तो एक हाकू और जाबूजा का नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप पॉज करके यार पढ़ सकते हो। हमारा जो अगला अपडेट है ये भी नारुतो शिपुडेन से ही लेकर है। तो कल यार नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 133 और 134 आया था, और वो एपिसोड में जैसा कि आपको पता होगा कि जो जिराया सेंसे हैं वो यार चले गए, और यार जो इसके हिंदी डबिंग थी जिराया की, जिन्होंने हिंदी डबिंग की है, दमनदीप सिंह बगन ने इतनी ज़्यादा यार बढ़िया हिंदी डबिंग की है कि वो एपिसोड देखने टाइम सच में भाई आँख में यार आंसू आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा यार इमोशनल हो गया था। आपका यार क्या हाल हुआ था वो एपिसोड देखने टाइम, आप यार कमेंट में बता सकते हो। हमारा जो अगला अपडेट है ये है जोजो बिजारे एडवेंचर से लेकर। तो इसका सीजन 1 और सीजन 2 का हिंदी डब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो सीजन 3 है उसका हिंदी डब का काम अभी प्रोग्रेस में है, और ये अपडेट हमें दिया है सेनपाई नेटवर्क ने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला अपडेट है सोनिक 3 से लेकर। तो इसका जो यार पहला पोस्टर है वो बाहर आ चुका है, और ये फिल्म यार थिएटर्स में रिलीज होने वाला है दिसंबर 20 को। हमारा अगला अपडेट है वन पीस से लेकर। तो वन पीस का जो मांगा है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 1110 तक डिस्प्ले किया जाएगा एक म्यूजियम में टोक्यो का, जहां पर यार जो स्पेस है 140 मीटर्स का स्पेस रहेगा वहां पर। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल जी हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स की मूवी से लेकर। तो ये मूवी यार कार्टून नेटवर्क पर आने वाली है 22 सितंबर को, और इसमें जो फ्यूचर ट्रंक्स है उसको हिंदी में वॉइस देने वाले हैं अंशुल सक्सेना, गोहान को डब करने वाले हैं संचित वर्तक, जो बुलमा है उसको डब करने वाली है मनी पुहान, नरेटर को डब करने वाले हैं पावन कालरा, एंड्रॉइड 17 को डब करने वाले हैं राजेश कावा, और एंड्रॉइड 18 को डब करने वाले हैं सोनल कौशल। तो आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट में यार जरूर बताइएगा। मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा यार सपना था इस मूवी को देखने का। ये मूवी देखने के बाद आप लोग यार डिप्रेशन में जाने वाले हो, क्योंकि यार ऐसा ऐसा चीज इसमें होगा ना कि आप रो भी दोगे और बहुत कुछ होगा यार, आप देखिएगा आपको मजा आएगा। और हमारा जो सबसे आखिरी अपडेट है ये है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर। तो ड्रैगन बॉल जी की भाई बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज कार्टून नेटवर्क पर आने वाली है, जैसे कि बार्डॉक वाली जो मूवी है वो तो आने वाली है 1 सितंबर को, हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स आने वाली है 22 सितंबर को। इसके अलावा और भी बहुत सारे यार मूवीज है जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने सोचकर रखा है, लेकिन वो मूवीज तभी आएगी जब आप लोग यार कार्टून नेटवर्क को बहुत ही अच्छा यार टीआरपी दोगे। कार्टून नेटवर्क इंडिया में ड्रैगन बॉल जी की और भी मूवीज आने वाली है, मगर दोस्त ये डिपेंड करेगा आने वाली मूवीज का टीआरपी पर। अगर कार्टून नेटवर्क इंडिया को ड्रैगन बॉल जी की मूवीज और ड्रैगन बॉल 1986 से टीआरपी अच्छी और बहुत ज्यादा भयानक मिलती है, तो समझ लो ड्रैगन बॉल की मूवीज की बारिश होनी है कार्टून नेटवर्क इंडिया पर। तो इसलिए दोस्तों कार्टून नेटवर्क इंडिया को आप फुल टीआरपी दीजिए और सक्सेस की नैया पार लगा दीजिए। और मैं आप सभी को एक और खास और मजेदार बात बताना चाहता हूं, जब 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर आया था हिंदी डब के साथ, तो उसके लिए ऑफिशियल राइट्स खरीदने में कार्टून नेटवर्क इंडिया की पूरी साल की कमाई चली गई थी, मगर आप सभी के प्यार और सपोर्ट से कार्टून नेटवर्क इंडिया ने उस ड्रैगन बॉल से 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया, और आज के टाइम कार्टून नेटवर्क इंडिया की रेटिंग बहुत ज्यादा हाई जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर की वजह से। इसी के साथ ये भी जान लो कार्टून नेटवर्क इंडिया ने एनिमे को टीवी में रिवाइव किया है, क्योंकि जब ड्रैगन बॉल सुपर आया हिंदी डब के साथ तो सबकी नजर कार्टून नेटवर्क पर थी, यानी ड्रैगन बॉल सुपर की सक्सेस पर थी। और जैसे ही ड्रैगन बॉल सुपर सक्सेस हुआ कार्टून नेटवर्क इंडिया पर, तो उसी के 2 महीने बाद नारुतो भी आने लगा सोनी ए पर, और हर चैनल में एनिमे की बरसात होने लगी जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कार्टून नेटवर्क इंडिया। और इसी के साथ भाई क्रंची रोल, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, मतलब हर कोई, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म एनिमे हिंदी डब के साथ भाई लाने लगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है इंडिया में एनिमे रिवाइव करने का वो है कार्टून नेटवर्क इंडिया का, क्योंकि हिंदी डब में यार वही लाया, और उसी के बाद सारा टीवी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म हिंदी डब लाने लगा।
और मैं यार स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा अभिषेक दत्ता सर को, जो उन्होंने यार हम फैंस के लिए इतना ज्यादा यार कदम आगे बढ़ाया और इतना बड़ा यार फैसला लिया। इनका बहुत बड़ा योगदान है टेलीविजन पर एनिमे को रिवाइव करने में, हम उनका शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे। और गाइज आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी जो फिल्म है वो कार्टून नेटवर्क इंडिया पर आने वाली है अगर टीआरपी अच्छी मिली तो। एक तो यार आने वाली है बैटल ऑफ गॉड्स, दूसरी आने वाली है रिसरेक्शन ऑफ एफ, उसके बाद आने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली, और भी बहुत सारी ड्रैगन बॉल की जो मूवीज है जो कि 2023 में नहीं आई थी वो आने वाली है, जैसे कि ट्री ऑफ माइट, लॉर्ड स्लग और भी बहुत सारी। और यार मैं चाहता हूं ना कि ट्री ऑफ माइट जो फिल्म आएगी हिंदी डब के साथ, तो उसमें जो यार टलेस है, आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं, जो टलेस है ना वो गोकू का बड़ा भाई है। जी हाँ, मूवीज में यार कुछ मीडिया ऐसे कहते हैं कि जो टलेस है वो गोकू का बड़ा भाई है, इसलिए वो गोकू की तरह दिखता है, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। और यार मैं चाहूंगा ना कि टलेस में संकेत मात्रे डब करें, क्योंकि संकेत मात्रे सर यार मैंने बहुत जगह उनका इंटरव्यू देखा है कि वो यार गोकू को डब करना चाहते हैं, तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली गोकू को ही डब करेंगे टलेस में, क्योंकि जो टलेस है वो बिल्कुल गोकू की तरह दिखता है। और देखो यार ये चीज यार पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखो जो ड्रैगन बॉल जी की मूवीज है, ड्रैगन बॉल जी काई की जो सीरीज है, ड्रैगन बॉल 1986 की भी जो यार सीरीज, इसका हिंदी डब हो रहा है स्टूडियो में जिसका नाम है वीआर फिल्म्स स्टूडियो। तो जो लोग भी चाहते हैं कि संकेत मात्रे टलेस को डब करे, तो जाइए इस पेज पर, और इस पेज पर यार जाकर स्पैम कर दीजिए कि हमें ड्रैगन बॉल जी की मूवी ट्री ऑफ माइट में टलेस की वॉइस में संकेत मात्रे की वॉइस चाहिए, जाकर स्पैम कर दीजिए। उसके बाद भाई स्टूडियो वाले पक्का संकेत मात्रे को यार अप्रोच करेंगे और यार मजा आ जाएगा संकेत मात्रे को टलेस की वॉइस में सुनने में। तो चलो आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही, कैसा लगा आज का एनिमे अपडेट कमेंट में जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।